और कमजोर हुआ रुपया। डॉलर के मुकाबले 2019 में पहली बार 71 रुपए के नीचे हुआ बंद। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और डॉलर मजबूत होने के बीच रुपए की विनिमय दर मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट के साथ एक माह के निम्न स्तर 71.05 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गई। 2019 में पहली बार रुपए ने 71 का स्तर पार किया है। दो दिन की गिरावट के बाद रुपए में लौटी तेजी, 5 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 70.41 पर हुआ बंद। तेल की कीमत बढ़ने से फिर फिसला रुपया, डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 70.49 पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया एक माह के निम्न स्तर पर आया, 43 पैसे गिरकर 70.92 पर हुआ बंद। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को रुपया 70.79 रुपए प्रति डॉलर पर कमजोर खुला और आगे कारोबार के दौरान यह 71.15 रुपए के निचले स्तर को छू गया, लेकिन बाद में रुपए में कुछ मजबूती आई और अंततः यह अपने पिछले बंद के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट प्रदर्शित करता हुआ 71.05 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपए में यह लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई है। सोमवार को रुपया 43 पैसे टूटकर एक माह के निचले स्तर 70.92 रुपए पर बंद हुआ था। विगत तीन कारोबारी सत्रों में रुपए में कुल 64 पैसे की गिरावट आ चुकी है। बाजार सूत्रों ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपए में गिरावट आई। हालांकि घरेलू शेयरों में भारी लेवाली और विदेशी निधियों के ताजा निवेश ने कुछ हद तक रुपए की गिरावट पर अंकुश लगा दिया। बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक मंगलवार को 464.77 अंक अथवा 1.30% की तेजी के साथ 36,318.33 अंक पर बंद हुआ।